महामारी के चलते करनाल में भी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोग और गरीब लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। इनकी सेवा के लिए करनाल की कई सामाजिक संस्थाओं ने बीड़ा उठाया था, जिसके तहत इन जरूरतमंद लोगों को राशन और पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा था। लेकिन कुछ कारणों के चलते यह सेवा प्रशासन द्वारा बंद करवा दी गई थी, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस सेवा को पुनः शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में मनोहर जैन आराधना मंदिर के उप प्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज की प्रेरणा से जरूरतमंदों के लिए सेवा शुरू कर दी गई है। आज इस मौके पर 500 लोगों को दो समय का भोजन वितरण किया गया। इस अवसर पर करनाल नगर निगम के उपायुक्त धीरज कुमार, हरियाणा चीनी मिल प्रसंघ के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथूरिया तथा पुलिस लाइन के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश पुनिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर समिति लगातार जरूरतमंदों की सेवा करती आ रही है। इस समिति से जुड़े सेवादारों ने सेवा संभाली हुई है। इस मौके पर पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि दूसरों का सहयोग करने में समर्थ लोगों को आगे आकर किसी को भी अभावग्रस्त नहीं रहने देना चाहिए। अपना पेट भर लेने में कोई बड़ापन नहीं है। निगम उपायुक्त और भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया ने पीयूष मुनि महाराज की प्रेरणा से इस भोजन वितरण के कार्य को जरूरतमंदों के लिए वरदान बताया। देखिए एक रिपोर्ट। आज हमारे मध्य डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर करनाल नगर निगम श्री धीरज जी आज ये फूड वैगन को विदा करने के लिए आए हैं, इसको हरी झंडी दिखाने के लिए। मैं यहाँ पहुँचने पर इनका स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो शब्द कोरोना के टाइम मुश्किल टाइम के लिए आप लोगों को प्रेरणा दें। नमस्कार जी, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे गुरुजी श्री पीयूष मुनि जी महाराज, उनके मार्गदर्शन में यहाँ जो पका हुआ भोजन है वो तैयार किया गया और करीब करीब 2,500 लोगों के लिए यहाँ खाना तैयार किया गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से, सभी जो भक्तजन हैं उनके सहयोग से आज ये भोजन वितरित किया जा रहा है। सब हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही विपदा की घड़ी है पूरे विश्व के लिए, लेकिन भारत में फिर भी इसको काफ़ी समझदारी से इसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और करनाल शहर में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं आगे आगे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुजी के आशीर्वाद से जैन मंदिर से ये भोजन जो है इसकी व्यवस्था की जा रही है। श्री चंद्र प्रकाश कथूरिया जी और तमाम जो हमारे जैन बंधु हैं यहाँ पहुँचे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से ये आयोजन किया जा रहा है। मैं गुरुजी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से ऐसा आयोजन हो रहा है। जल्दी ही हम जो कोरोना बीमारी फैल रही है इस पर नियंत्रण पा लेंगे और स्थिति जो है वो सुधरेगी। आज जो भी स्थिति है उसके लिए उचित इंतजाम करनाल में किए जा रहे हैं सभी सामाजिक संस्थाओं का, सभी हमारे जो धार्मिक संस्थाएं उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कथूरिया जी पूर्व चेयरमैन शुगर फेडरेशन ऑफ हरियाणा और एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और एक काफी मंझे राजनीतिज्ञ भी हैं, ये भी हमारे मध्य पहुंचे हैं इस पुण्य काम के सहभागी बनने, तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि दो शब्द प्रेरणादायी लोगों के लिए इस कठिन घड़ी में कहें। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं पूजनीय गुरु जी के चरणों में, जिनकी अनुकंपा से जब से ये लॉकडाउन की स्थिति बनी है तब से उन लोगों के लिए यहां से भोजन वितरण के लिए पका हुआ जा रहा है और कोई इस बात की सीमा इन्होंने नहीं रखी हुई कि कितने लोगों का भोजन यहाँ से जाएगा। जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ही ये 10-20% यहाँ से भोजन बना के भेज रहे हैं। मैं पूजना गुरुजी का, इनके साथ जितने भी सेवादार हैं, आज धीरज जी भी साथ आए हैं और भी जितने सेवादार हैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी के अंदर वो इस बात की परवाह ना करते हुए कि शायद इस बात की चपेट में मैं ना आ जाऊं, इस बात से लड़ाई करते हुए लड़ते हुए वो आगे खड़े हैं समाज में आके, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे भाइयों को इतनी ताकत देना कि जिससे समाज और पूरा विश्व खड़ा रहे और मजबूती से ऐसी लड़ाइयों से लड़ने में अग्रणी रहे। दूसरा, मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है इसमें सबसे बड़ा जो हम कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, देह से दूरी, जिसको हम अंग्रेजी में सोशल डिस्टेंस भी कह देते हैं, जो देह से दूरी है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है अभी। और जो इस
देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मैं समझता हूं कि इतना अच्छा स्टेप उन्होंने बड़े अच्छे समय पर ले लिया कि जो लॉकडाउन की स्थिति बनी उससे लोगों ने समझा और सभी लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। और मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से वो इस बात को समझ के सरकार को, प्रशासन को और सामाजिक संस्थाओं को कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह से करनाल में खास तौर पर सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, पूरे देश में शायद ऐसी कर रही होंगी। और मैं पुणे इन संस्थाओं का भी, इन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं, इनको नमन करता हूं और उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इस महामारी से, इस विषय को छुटकारा मिले और इन भाइयों को ताकत मिलती रहे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.